तो दोस्तों, आखिरकार आज भारत को एक बहुत ही बड़ा और अच्छा मौका मिला है तुर्की के चेले अजरबैजान को सबक सिखाने का, क्योंकि पिछले कुछ समय में आप सभी ने देखा होगा कि अजरबैजान भारत और भारत के हथियारों को काफी ज्यादा हल्के में ले रहा था। और आज इसी क्षेत्र के अंतर्गत भारत के मित्र आर्मेनिया ने भारत से सहायता मांगी है। दरअसल आप सभी को आज से लगभग एक दो महीने पहले की एक खबर याद होगी, जब आर्मेनिया की जो मिलिट्री एक्सपर्ट है वो भारत के हथियारों को लेकर बोल रहे थे कि भारत जो हथियार बनाता है वो काफी कम क्वालिटी के हैं और इनको हम जब चाहें तुर्की के बायरेक्टर ड्रोन के माध्यम से आसानी से नष्ट कर सकते हैं। और अजरबैजान की तरफ से भारत के इन हथियारों को अमेरिकन हथियारों की कॉपी भी बताया गया था, परंतु आज आर्मेनिया की तरफ से कुछ ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिससे भारत चाहे तो तुर्की के इस चेले अजरबैजान को चुन चुन कर हर हरकत का सबक सिखा सकता है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि जिस प्रकार से भारतीय वायुसेना कोई 30 MKI को ऑपरेट करती है, ठीक उसी प्रकार से आर्मेनिया के पास जो वायुसेना है वो रशिया के सुखोई 30 MKI SM का उपयोग करती है। परंतु जब नागानो कारवास की लड़ाई हुई थी तब आर्मेनिया की वायुसेना की तरफ से इस फाइटर जेट का उपयोग अजरबैजान के खिलाफ नहीं किया गया था, जिसके पीछे कारण था कि आर्मेनिया के जो पायलट थे वो इस फाइटर जेट को उड़ाने में काफी ज्यादा प्रशिक्षित नहीं थे, जिसी के कारण जो अजरबैजान है उसने अपने ड्रोन और फाइटर जेटों के माध्यम से आर्मेनिया को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। परंतु अब हमारा दोस्त आर्मेनिया चाहता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो आर्मेनिया की एयरफोर्स की मदद करे और आर्मेनिया के एयरफोर्स के जो पायलट हैं उनको अपने सुखोई 30 SM फाइटर जेट को उड़ाने में काफी अच्छा प्रशिक्षित बनाए। साथ में आर्मेनिया के पास सुखोई 30 MKI के लिए वेपन पैकेज भी नहीं है। जब रशिया से उसने फाइटर जेट लिए थे तब उसके पास केवल अनगाइडेड रॉकेट थे। तो आर्मेनिया चाहता है कि भारत के पास जो स्वदेशी वेपन पैकेज है सुखोई 30 MKI का, जिसमें अस्त्र MK1 मिसाइल और कई अन्य स्वदेशी उपकरण जैसे कि ब्लेजर गाइडेड बॉम्ब और मिसाइलें वगैरह आती हैं, वो आर्मेनिया भारत से आगे चलकर ले सकता है। और इस प्रकार से भारत के पास एक बहुत बड़ा और अच्छा मौका मिल गया है कि जो अजरबैजान तुर्की के हथियारों पर इतना उछल रहा है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत आर्मेनिया को ताकतवर बनाए। परंतु फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या इस टॉपिक के अंदर भारत को आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।